बच्चा डीपीपी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और जो रिलेटिव मोशंस के होंगे उसका सवाल नहीं लेंगे, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। थर्ड सवाल, कैन यू सॉल्व? इन द यस फिगर सर, शोन ए पर्सन वॉन्ट्स टू रेज द यस सर, ब्लॉक। हो गया वो। In both the cases, if time required is same, then in which case he has to exert more force? Assume pulley and strings are light. अच्छा, अगर सिर्फ रेज करना है तो पूछा है कि फोर्स किस पे ज्यादा लगाया जाए, है ना? तो इस पे देखो, जितना फोर्स लगाएगा बच्चों उतना ही टेंशन होगा, यहां भी जितना फोर्स लगाएगा वही टेंशन होगा। बट ब्लॉक पे देखो बच्चों, टूटी लग रहा है फोर्स, और इसका वेट एमजी है, तो ये कितना फोर्स लगा के ये लिफ्ट कर सकता है? सिंपली जस्ट एफ इट ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच? एमजी बाय टू। एमजी बाय टू, एमजी बाय टू। और इस केस में एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एमजी टू रेज द ब्लॉक। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। फोर्थ सवाल देखें, ऐसा एक्सपेक्टेड ही होता है बच्चों, तो तुम लोग खुद से मुझे बताओगे कौन कौन से डाउट है, बट तुम लोग तो बताओगे नहीं। इन द फिगर एट द फ्रेंड लाइट फ्रेंड ऑफ द लाइट स्ट्रिंग ए फोर्स एफ इज अप्लाइड। यहाँ पे देखो एफ फोर्स अप्लाई कर, देन द फोर्स एग्जर्टेड बाय सीलिंग ऑन द सिस्टम ये 18 केजी का ब्लॉक है बच्चों, इस पे देखो कितना फोर्स लग रहा है, यहां से टेंशन टी, यहां से टेंशन टी, यहां से टेंशन टी, है ना? कितना लग रहा है? 3T ऊपर लग रहा है, 3T ऊपर। और ये किसके बराबर होगा बच्चों? 18G के बराबर। तो टी कितना हो जाएगा? 6G, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 60 न्यूटन। अब इस पुली की बात करते हैं, ये पुली का देखो, इस पुली पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? देखो टी इधर, टी इधर, टी इधर और टी इधर, कितना? 4T नीचे। पुली आइडियल है, तो ये हिंज फोर्स कितना होगा? हिंज फोर्स जो एन लगेगा वो हो जाएगा 4T के बराबर, दैट मीन्स 4 × 60 न्यूटन, दैट इज 240 न्यूटन। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। बच्चों दो सवाल हमने कर लिया, फिफ्थ वेक्टर का समय तो होना चाहिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ देखो, बॉडी जो अभी रेस्ट में है, एक फोर्स एफ वन लगा, एक फोर्स एफ टू लगा, एफ वन देखो फोर्स किधर है, एफ वन देखो इधर है बच्चों, ये फिगर क्लियर नहीं है, 70 J cap है, एफ टू का डायरेक्शन अननोन कर रहा है,
अब कह रहा है कि एक्सेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और थीटा का भी वैल्यू दे दिया है कुछ, कि थीटा इज गिवन। थोड़ा घुमा के पूछा बच्चों, व्हाट थर्ड फोर्स एफ थ्री इज रिक्वायर्ड टू मेक द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो। इसका मतलब कह रहा है कि थर्ड फोर्स कितना हो कि एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री थर्ड फोर्स क्या हो कि ये जीरो। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा एक चीज बताना, एफ वन वेक्टर प्लस एफ टू वेक्टर मिला के कितना है? एमए वेक्टर। गुड। अच्छा ये जो मास मास दिया है, क्या मास दे दिया है? ए वेक्टर को लिख सकते हो 10 cos थीटा आई कैप प्लस 10 sin थीटा जे कैप, यही है ना? है ना बच्चों? ये देखो एम एम दिया हुआ है 5, 10 cos थीटा कितना दिया हुआ देखना, 3 by 5 प्लस इतना आई कैप प्लस 10 into sin थीटा कितना है 4 by 5 कैप, that is equal to 5, और ये हो गया बच्चों कितना हो जाएगा 6 i cap plus 8 j cap। ये किसके बराबर है? एफ वन प्लस एफ टू के बराबर ये है। और यहां से देखो तो एफ वन प्लस एफ टू जो है वो है माइनस एफ थ्री, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 पुट कर दोगे, एफ थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ वन प्लस एफ टू, इतना यहाँ पे एफ वन प्लस 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो इस सवाल में कोई दम नहीं था, ये बस ऐसे ही घुमा फिरा के दे दिया। अब 6 सवाल भी देख लेते हैं। मास 100 केजी का है, देखो सारे बच्चे सॉल्व करो, और डिस्कशन में तो मोस्टली बच्चे भाग ही जाते हैं, रहते नहीं। कितने 49 स्ट्रेंथ है अभी। डन सर। Done? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं। 7th देखो क्या है। In which of the following case magnitude of acceleration of the block will be maximum? Sir, C होगा। Sir, C होगा। C। चेक कर लो, सब में निकाल सकते हैं। इसमें acceleration बताऊँ क्या होता है? इसमें acceleration होता है 1 में a 1 g by 3 2m m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into g। जी बाय थ्री सही बताया। इसमें बच्चों टेंशन 2mg है, जी होगा, mg ऊपर करते हैं तो माइनस 2mg, दैट इज इक्वल टू m, बहुत बढ़िया।
तो ए जो हो जाएगा, ए टू जो हो जाएगा वो जी के बराबर हो जाएगा। इसमें तो बच्चों सिर्फ टेंशन 2mg है, 2g इसमें हो जाएगा 2g। और इसमें देखोगे 2mg लगा रहा है, और एक्सेशन देखोगे तो 3m आ जाएगा टोटल मास, 2g/3। क्लियर? सी एस चलो चलो अच्छा नेक्स्ट 8th सवाल देखो। क्या पूछा है? वेट W इज सपोर्टेड बाय टू स्ट्रिंग। देखो इस पे एक W का फोर्स लग रहा है, ये 30 degree है और ये 60 degree है। इधर को कहा है T1 और इधर को कहा है T2। तो T1 वेक्टर प्लस T2 वेक्टर प्लस W वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही तो होगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट है। अब इसमें कौन सा वेक्टर डायग्राम सही है वो देखना है। E वाला फिर D होगा। हाँ D ही सर। देखो एक काम करते हैं, W सबसे पहले W तो ड्रॉ कर ही लेते हैं, और कोई एक ड्रॉ कर लो, लेट्स T1 या T2। लेट्स अगर T1 ड्रॉ किया, ये T1 है ठीक है ना, तो इसका समेशन होना चाहिए। तो देखो ये पैरेलल कैसा है, ऐसा है पैरेलल, सर वो T1 उल्टा होना चाहिए ना। T1 उल्टा का मतलब सर मतलब डायरेक्शन ऑफ T1। हाँ ये T1 ऐड करना तो ये हेड टू टेल रखते हैं, एक सेकंड, हेड टू टेल ऑर्डर में ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसा, ये T1 ड्रॉ कर लिया है ना पैरेलल ऐसे, और T2 का डायरेक्शन कैसा है, और थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो तभी तो ये T2 का डायरेक्शन ऐसा है, दिस प्लस दिस, मतलब इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, मिटाने वाला कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा। नहीं पा रहे सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा। नहीं मुझे लिख नहीं पा रहे थे, अभी आवाज आ रही है। W yes, ड्रॉ कर लिया बच्चों। यस सर आ रहे। हाँ उसके बाद हमें ये तीन वेक्टर तो हेड टू टेल में ट्रायंगल में रोल रूल में दिखा है ना, तो ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये T1 हो गया और फिर T2 ऐसा कुछ होना चाहिए। T2 ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा सर। T2 का डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए।
टू का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। क्या कर दिया यहाँ पे, क्या गड़बड़ कर दिया सर? वो ई वाला बराबर है सर, उन्होंने बस टी वन नीचे लिया है। टी वन देखो, ये टी वन ऐसा हो गया, टी वन और टी टू अभी ऐसा हो जाएगा। अभी ये सही है? यस सर। इसको ना यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये बड़ा नहीं, ये थोड़ा छोटा ही रखना पड़ेगा, और तभी ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसा डब्लू टी वन टी टू। ठीक है, डब्लू टी वन टी टू। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next page पे जा रहा है। The ninth में doubt है। नाइन सवाल बच्चों बड़ा फेमस सवाल है। मैं इसको समझा रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना लिया। एक स्फीयर है, फ्रिक्शनलेस वायर है फिक्स्ड इन बिटवीन ए एंड बी। ये सपोज पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये बड़ा सिंपल सा है बच्चों, देखना इसको जरूर अच्छे से कर लेना, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा मैं। ये एंगल थीटा ले लिया, कोई बता सकता है एम जी का फोर्स इधर है? So, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी cos थीटा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा क्या अलोंग द वायर? mg का कंपोनेंट जो लेते वही है ना, और ये सेंटर है बच्चों। मुझे ना ab लेंथ चाहिए, व्हाट इज द लेंथ ab? मुझे ए बी का लेंथ चाहिए, ए बी लेंथ। देखो अगर ये थीटा है बच्चों, तो कैन वी से कि दिस इज ऑल्सो थीटा, बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। Is it clear? Yes, sir. और यहां से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं। यहां से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दू, तो दिस इज आर, सो दिस वन इज हाउ मच आर cos theta? cos theta. आर cos theta. So, ये ए बी जो लेंथ हो जाएगा, कैन यू राइट दैट ए बी विल बी टू आर कॉस थीटा? एवरीवन कंफर्टेबल विद दिस? यस सर। यस सर। अब बच्चों टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज किया है, टी इक्वल टू जीरो पे रिलीज किया है, और टू आर कॉस थीटा जो है दैट इज लेंथ चलना है एल या एस का। एस इज इक्वल टू हाफ जी कॉस थीटा इज द एक्सेलरेशन इनटू हाफ ए इनटू टी स्क्वायर। बच्चों ये कॉस थीटा चला गया, टी कितना हो गया? फोर आर जी का रूट। इज इट क्लियर? यस सर। और इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें समझना है, जो ध्यान देना है, That is independent of theta. Time period जो है, time जो लगा है, independent of theta है। यही main चीज है, यही striking feature।
इसका मतलब वायर ये होता या वायर ऐसा होता या वायर ऐसा होता या वायर ऐसा होता। अगर बीड्स हमने ये कर लिया तो एंड पॉइंट पे सब के सब कितने पहुंचे में पहुंचेंगे, दे विल रीच एट सेम टाइम टाइम, तो यही आएगा। ये बहुत ही फेमस सवाल बच्चों, ये किसी ओलंपियाड में बहुत पहले पूछा था कि एक बीड ऐसे ले लिया, एक बीड ऐसे ले लिया, एक बीड ऐसे ले लिया, बच्चों तीन बीड रिलीज किया है रेस्ट से, ए बी सी पे रेस्पेक्टिवली पहुंचेगा, रिलीज्ड एट सेम टाइम। सर तो ये जो थीटा था इससे इंडिपेंडेंट आया, दैट मीन सारे केस में सेम होगा। कहोगे सर सेम क्यों है, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस तो इसका एक्सेलरेशन जी से थोड़ा कम है, अगर सीधे वर्टिकल लेंगे तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है जी है, तो लेंथ भी सबसे ज्यादा जाना है, इधर एक्सेलरेशन कम है तो लेंथ भी कम जाना है। इज इट क्लियर, इसलिए टाइम सेम लग रहा है और हमने डिराइव कर लिया, तो ये ध्यान में देना, इस रिजल्ट को ध्यान में रखना। सर एक बार लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कीजिए, स्क्रीन ब्लर हो गई थी। अभी दिख रहा है स्क्रीन, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया। यस सर, हमने बताया कि देखो टाइम पीरियड जो है वो किस पे है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, दैट मीन्स यहाँ से रिलीज किया तो ये वायर हो या ये वायर हो या ये हो, तीनों में सेम ही टाइम में पहुंचेगा। रीजन इज किस केस में एक्सेलरेशन कम है, तो डिस्टेंस भी कम चलना है, इस केस में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तो डिस्टेंस भी मैक्सिमम चलना है, और ऐसे होगा कि टाइम पीरियड ये आ जाएगा। बस देख लो, ये लिख लो इक्वेशन, मैंने 5-6 बार बोल दिया बच्चों, अब ज्यादा बोलूंगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तुम लोग। चलो तो नेक्स्ट, थैंक यू सर। चलो बच्चों टेंथ सॉल्व करना है क्या? देखो नहीं सर, हो गया। डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, ये जो टी टू है बच्चों, ये टी टू वो तो डब्ल्यू टू के बराबर होगा, और यहाँ पे टी टू यहाँ पे टी वन है। कैसे सॉल्व कर लिया, पहला तो T1 cos 53 plus T2 cos 37 that is equal to W1. एक और चीज क्या लिखेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल एक्सेस के लिए T1 sin 53 plus T2 sin equal 37. To T2 sin 37. T2 टू यहां से निकल जाएगा 4/3 आई थिंक, साइन 53 4/5, साइन 31 3/5, 4/3 इंटू T1। यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा समथिंग, T1 को रिप्लेस कर दो,
और ये मैं पुट कर दो, और ये पता है T2 इज इक्वल टू W2, रिप्लेस T1 हियर, हो जाएगा ये सॉल्व? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और एक चीज देखो यहाँ पे, इसमें बहुत आराम से एक लाइन में सॉल्व किया है, व्हाट कॉन्सेप्ट ही हैज टेकन, लेकिन ये सिर्फ इसके लिए वैलिड होगा बच्चों, ये जो यहाँ पे लिया है। ये कह रहा है ए बी के अलोंग ले लेते हैं कंपोनेंट, ठीक है ना। अब ये शॉर्टकट तो बच्चे कर लेंगे, बट जब तक समझदारी डेवलप नहीं होगा तो ये अप्लाई करने से कोई फायदा होगा नहीं। अलोंग दिस डायरेक्शन, सो डब्लू वन का कंपोनेंट इधर ले लेते हैं, डब्लू वन 37, डब्लू वन साइन 37, सॉरी कॉस 37, दैट इज इक्वल टू ये T2 लिखा था, T2 आई बात समझ में आपको? सर ऐसे इस डैक्स में नेट फोर्स जीरो क्यों किया, बिकॉज एक तीसरा जो फोर्स है ये 90 डिग्री पे, 37 और 53 90 डिग्री पे, दैट्स वाई इस फोर्स का कंपोनेंट इधर नहीं आया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे, अगर ये 53 के जगह 60 डिग्री ले लेंगे तो ये वाला जो मेथड यूज किया ये फेल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, यस सर, यस। चूंकि ये 90 डिग्री है 37 प्लस 53, दैट्स व्हाई ये जो लिखा ना W1 cos थीटा 37 इज इक्वल टू W2, W1 cos 37 इज W2, ये इसलिए वैलिड है बिकॉज ये पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो टेंथ भी हो गया बच्चों, मैंने बेसिक से किया, यहाँ शॉर्टकट यूज किया, शॉर्टकट में क्या गड़बड़ी हो सकती है वो भी डिस्कस किया। नाउ 11, इलेवेंथ होना चाहिए, सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्या? इलेवेंथ सवाल पे कर सकते हैं। F5 न्यूटन का फोर्स लगाया, यस सर, गुड। ये 5 मीटर लॉन्ग है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एट 1 मीटर फ्रॉम द फोर्स अप्लाइड इज, तो यहां से 1 मीटर पे कोई मुझे बता सकता है क्या कि जो भी इसका मास है, इसका मास सपोज कितना ले लूं? m/5 हो जाएगा, टोटल मास m है, तो इसका हो जाएगा m/5, इसका हो जाएगा 4m/5, isn't it? इतने का मास, yes sir। तो अगर मैं एक्सेशन लिखूंगा बच्चों तो ये हो जाएगा F/m एक्सेशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे टेंशन पूछा तो इतने का एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंशन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 4m/5 m इंटू ए, और a तो क्या हो जाएगा F/m, निकल गया टेंशन? यस सर, यस।
12th is good sum. Done, sir. 12th. गुड, बहुत बढ़िया बच्चों. इस पे देखो कौन कौन सा फोर्स है. mg, ये एक f जो लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है फोर्स, ऐसे ले लेता हूं f, और एक n. पूछा है नॉर्मल फोर्स, तो बच्चों नॉर्मल फोर्स पूछा है तो mg का कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में और इस F का कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में, दैट विल बी n. n इज इक्वल टू, देखना ये 45, तो ये भी 45 है, ये भी 45 है. n इज इक्वल टू mg cos 45, क्योंकि 45 तो साइन लिखो या कॉस लिखो बात बराबर होगा, बट मैं अभी mg इज गिवन, mg is 10, f is also 10. नहीं, f कितना है? 10 ही है. 1 by root 2, sin 45. बच्चों, I hope कि तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, फटाफट करो. तो थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, आई एम गिविंग यू 4 मिनट टाइम. तीन सवाल, 4 मिनट. सर 15 का आंसर क्या है? चलो बच्चों सॉल्व हुआ. क्या करा है देखते हैं. ए हैवी पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बच्चों ये 30 डिग्री पे है.
ये टेंशन का फोर्स इधर और एमजी इधर, क्या पूछ रहा है व्हाट इज द एफ? तो दो तरीका, एक ऐसे लेते हैं बच्चों ऐसे, इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो, अगर ऐसा ले लिया तो ये हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, समझ में आ रहा है? तो इस डायरेक्शन में एमजी का कंपोनेंट हो जाएगा एमजी साइन 30 और इस डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट हो जाएगा एफ एफ साइन 60, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, इस डायरेक्शन में टी का तो कंपोनेंट है नहीं, ऐसे लिख लिया। एफ इक्वल टू आ जाएगा एमजी साइन 30 अपॉन साइन 60, ठीक है? चलो 14, बहुत ही आसान सा सवाल। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालने के लिए ऐसे सवाल बहुत सारे करवाए हैं। यस सर, डन। 12 न्यूटन का फोर्स लगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? 1 मीटर पर सेकंड। 12 × 8 टोटल मास 12 है, ए इक्वल टू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए और बी का कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना, तो बी का एबिलिटी ड्रॉ कर लेते हैं। बी का जो एन है दैट इज इक्वल टू n is equal to mass 8 into a, that is 8 newton, है ना? a 1 put कर दो। 15, for the motions of object, velocity depends on x. differentiation पूछ रहा है बच्चों, क्या करेंगे? dv by dx directly 3x square minus 2x को differentiate कर ले, कर रहे हैं। 6x minus 2, लेकिन पहले x के respect में करेंगे, फिर x को t के respect में, is it clear? Yes sir. 6x minus 2, ये हो जाएगा a, और dx by dt is v. v का तो value दिया हुआ है, 3x square minus 2x. अब ये x का वैल्यू निकाल पुट कर दोगे। yes. तो ये 3 सवाल हो गए। can we solve 16? yes sir. yes sir. टेंशन इन द रोप कनेक्टिंग ए टू द सीलिंग, मतलब इसमें टेंशन पूछ रहा है, इसमें है ना? अच्छा ये बताना, ब्लॉक मूव कर रहा है या रेस्ट में है? रेस्ट। सो ब्लॉक रेस्ट में है ना, ब्लॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं। कोई भी पॉइंट देखो, ये पॉइंट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये फिक्स है, ये पॉइंट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये फिक्स है, और ये पॉइंट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज ये फिक्स है। तो टेंशन कितने के बराबर है? एम जी के बराबर। यहाँ एम जी एम जी, तो ये कितना हो जाएगा? 2mg, तो ये टेंशन हो जाएगा 4mg, तो यहाँ भी बच्चों 4mg और यहाँ भी 4mg, तो ये टेंशन जो हो जाएगा 8mg। चलो
अच्छी बात यह है कि सारे बच्चे अभी कनेक्टेड हैं, जितना ज्वाइन किए सब कनेक्टेड है, मतलब सब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यस सर। यस सर। अच्छा अभी टाइम। यस सर। हालांकि कितने बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे वो मुझे शक ही है। चलो सेवनटीन एटीन देखो यार, इसमें से कोई डाउट है तो। सर सेवनटीन। सर सेवनटीन। सर सेवनटीन। सेवनटीन तो बहुत आसान है यार, क्या दिख रहा है। एक रो पे बच्चों यहाँ पे टेंशन इधर लग रहा है, ये जो फिक्स एंड है ये भी तो टेंशन लगा ही रहा होगा, तो क्या पूछा है। फिगर टू का, ये फिगर टू है, इसमें टेंशन इधर लग रहा है, इसमें भी टेंशन इधर लग रहा है। दोनों का एक्सेशन क्या है, जीरो। दोनों केस में दोनों सिमिलर ही केस है, आइडेंटिकल ही केस है। सर वन हो जाएगा ना, वन इज टू वन। यस, दोनों आइडेंटिकल केस है, एलोंगेशन दोनों में उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो दोनों एंड पे, यहाँ पे एक एंड पे तुम लगा रहे हो, दूसरा एंड पे ये फिक्स्ड वॉल लगा रहा है ना, क्योंकि ये रूप आगे जा नहीं रहा, फिक्स्ड वॉल टी ही लगाएगा, नेट फोर्स जीरो है। तो बोथ केस आर आइडेंटिकल। चलो बच्चों 18 देखते हैं। सर फोर्स कैसे बस आ सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? फोर्स एक्सेलरेशन से। बताओ फोर्स निकालना है, F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्या हम V वर्सेस T ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? उसका स्लोप, स्लोप लेकर। तो देखो A से लेकर के यहां तक में T1 टाइम में क्या है, फोर्स जीरो, जीरो। और इधर देखो वेलोसिटी कम हो रहा है, फोर्स एंड वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बी पॉइंट पे फोर्स और वेलोसिटी कैसा है, वाई अपोजिट, वेलोसिटी कम हो रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन अपोजिट, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, तो सी इज द करेक्ट, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। गुड बच्चों, चलो सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो ये तो कौनटी लगता है, ये लास्ट सवाल है इसका। जो कैपिटल एम को रेस्ट में रखना है, कैपिटल एम को रेस्ट में रखना है तो टेंशन कितना होना चाहिए? कैपिटल एम जी साइन थीटा। कैपिटल एम साइन 30 जो है दैट शुड बी इक्वल टू टेंशन, और ये टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एम जी के बराबर। यहां से देखो तो स्मॉल एम किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एम साइन 30। तो ये बहुत ही आसान है। चलो डीपीपी 1B1 हो गया कंप्लीट। एक डीपीपी कंप्लीट। यस सर। यस सर। चलो अब बच्चों मैं फटाफट ना अब सारे के सवाल नहीं करूंगा मैं, अब देखो कुछ कर सकते हैं यहाँ पे क्या, जो टफ लगे उसी को डिस्कस करेंगे।
सर बी वन और बी टू सॉल्व नहीं किया. बी वन बी टू सॉल्व नहीं किया ठीक है. और तब तक एक दो सवाल जो देखने में टफ लगता है वो करो. ओके सर. ये देखो थोड़ा सा टफ लगेगा बच्चों ये, क्योंकि अभी शॉर्टकट्स तुम्हारा जो है कंस्ट्रेंट का शॉर्टकट बताया नहीं है. लेकिन फिर भी देखो ये पॉइंट ना जा रहा है एक्स वन से पहुंच गया है और ये पॉइंट भी आगे जा रहा है बच्चों. ये पॉइंट भी तो ये पॉइंट अगर आगे गया तो स्ट्रिंग यहां से फ्री होगा, यहां से फ्री होगा, यहां तो है ही नहीं स्ट्रिंग इस तरफ, तो यहां पे इंगेज होगा बच्चों है ना. और इसका भी वेलोसिटी दिया 1 मीटर पर सेकेंड, इसका भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड. थोड़ा सा ये समझने में मुझे लग रहा है कि ये क्लास थोड़ा डायग्राम बड़ा करूं तो ज्यादा अच्छा है. देखो फ्री होने वाला एंड ये है, ये जाएगा x1 डिस्टेंस आगे, ये जाएगा x1 डिस्टेंस आगे, तो ये फ्री होगा और ये आगे जाएगा तो यहाँ पे इंगेज होगा बच्चों. ये भी 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकंड में 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर इंगेज, यहाँ पे 2 मीटर फ्री. ये सी ब्लॉक क्या रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा डाउनवर्ड एक्शन में. सी का इधर वेलोसिटी तो होगा ही, तो सी का वेलोसिटी किधर होगा, सिर्फ 1 मीटर पर सेकंड इधर. सर सी ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज वेलोसिटी जो है ना दोनों का देखो, ये भी 1 मीटर पर सेकंड है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड है. मैं ना एक काम करता हूँ, मैं डायग्राम रीड्रॉ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. देख देखो पॉइंट, ये पॉइंट आगे बढ़ जाएगा क्या, स्ट्रिंग कैसा रहेगा देखना, ये थोड़ा सा आगे जाएगा. तो स्ट्रिंग कहां कहां से फ्री हुआ चेक करो. यहां से स्ट्रिंग फ्री हुआ, यहां से स्ट्रिंग फ्री हुआ. इंगेज कहां कहां हुआ है, येलो कलर से नहीं, येलो कलर दिखेगा नहीं, ब्लू कलर से दिखा रहा हूं. यहां पे इंगेज हुआ, यहां पे इंगेज हुआ, दोनों का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो ये 1 सेकंड में 1 मीटर आगे जाएगा, तो यहां भी 1 मीटर 1 मीटर. ये 1 1 2 इंगेज 1 एंड यहां पे 1 2 मीटर फ्री. ये ब्लॉक सीधे सिर्फ आगे जाएगा, नीचे ये नहीं आएगा बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 1. स्टिल मुझे पता है कि मैंने अच्छे से समझाया नहीं है, बच्चों को समझ में तो नहीं आया होगा. नहीं आया ना किसी को समझ में, आ गया सर 50%. यस सर.
बच्चों मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये पुली जो है दैट गोज सपोज एक्स टू डिस्टेंस एक्स टू, ठीक है ना, और ये गया है सपोज एक्स वन डिस्टेंस, ये पॉइंट आगे चला गया एक्स वन चला गया है और ये पॉइंट भी आगे चला गया, ये ब्लॉक एक्स वन गया है, और इसको मान लेते हैं कि ये नीचे आया सपोज वाई डिस्टेंस, वाई डिस्टेंस नीचे आया। तो देखना अभी यहां से स्ट्रिंग कितना एंगेज होगा, एक्स टू एक्स टू, टू एक्स टू एंगेज होगा, ये भी बच्चों y नीचे आया प्लस y, और फ्री कहां से हो रहा है बच्चों, ये पुली यहां से यहां पहुंच गया, ये x1 फ्री हो रहा है, ये पॉइंट यहां आ गया है, ये x1 फ्री हो रहा है, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ऐसा कुछ होगा तो अगर v y लिखें तो यहां पे आ जाएगा 2v1 minus 2v2 ऐसा होगा। लेकिन पिछले सवाल में v1 और v2 इक्वल दे दिया इसलिए v y जीरो है, मतलब इसका y डायरेक्शन में नीचे नहीं आएगा, बट चूंकि ये बिगर ब्लॉक जो है b ब्लॉक जिसका नाम b दिया है फिगर में, ये बी ब्लॉक आगे जा रहा है तो ये भी आगे तो जा ही रहा है, कितना से वी वन से, और भाई जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग जा रहा है, इस सवाल में सिर्फ वन विल बी डांस। चलो मैंने कोशिश किया समझाने का, आई होप कुछ कुछ समझ में आया होगा। यस सर। बच्चों नेक्स्ट सवाल लेते हैं, ये सब सवाल करवाया टू करवाए हुआ क्लास में। हाँ सर। यस सर। थ्री हो जाएगा, ट्राई करना, थ्री इजी क्वेश्चंस, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। फोर बच्चों एचसी वर्मा भी ये सवाल है, ऐसा मैंने शायद क्लास में भी दिया डिस्कस किया होगा, ये अगर ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से आगे जाएगा बच्चों, वन के जी ब्लॉक हॉरिजॉन्टल पार्ट पे है, सिंपल सा सवाल है, क्योंकि ये पुली फिक्स है तो इसका एक्सेशन ए नीचे, तो इसका एक्सेशन ए हॉरिजॉन्टल एक्सेशन ए साइड में। द इंजन ऑफ ए कार प्रोड्यूसेस एक्सेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार। If this car pulls another car of same mass, बच्चों जो इंजन फोर्स लगा रहा है, फोर्स इतना लगा रहा है कि मास इनटू एक्सेलरेशन इतना नेट फोर्स लगा रहा है, दो कार आ जाएगा तो मास डबल हो जाएगा, तो फोर्स वही रखना है तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीधा 5 क्वेश्चन। तो इसमें कोई दम नहीं था, बाकी ये सब में दम नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द मास 20 केजी फोर्स से 10 सेकेंड द चेंज मोमेंटम इज। तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैं बोल देता हूँ इसको, पढ़ा देता हूँ अभी। जनरली ये सारे कंसेप्ट मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ाता हूँ, सेंटर ऑफ मास में, बट फिर भी तो ये लिख लें क्या, क्या ये नोट्स वाले बुक में लिख लें, लिख लो ये, हालांकि ये बाद में तो पढ़ाना ही है बच्चों, दिस इज द ओरिजिनल न्यूटन्स लॉ। न्यूटन साहब ने ओरिजिनली ये बताए थे, सो डीपी दैट इज इक्वल टू एफ डी टी, है ना, ये एफ रिजल्टेंट फोर्स है, दिस इज न्यूटन्स लॉ, हमने एफ इज इक्वल टू में पढ़ाया ना,
ये मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉ है, दिस वन। एफ डी टी का इंटीग्रेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, दिस इज कॉल्ड इंपल्स। और ये ग्राफ एरिया अंडर द कर्व भी होता है, एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ। और ये ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो वन डी के लिए रहेगा तभी ड्रॉ करेंगे। तो इंपल्स क्या बोलेंगे, एफ डी टी, एफ डी टी जो जाएगा एरिया अंडर एफ वर्सेस टी ग्राफ। और डीपी, डीपी का इंटीग्रेशन हो जाएगा पी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चों पी टू माइनस पी वन क्या हो जाएगा, एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ये बस नोटबुक में लिख लो अभी के लिए, अगर कुछ सवाल बुकलेट में नहीं सॉल्व होता उसके लिए। अब यहां पे कांस्टेंट फोर्स लगाया 10 न्यूटन का 10 सेकंड तक, तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच, बच्चों 20 है ना। और वी टू माइनस वी वन इसी को चेन मोमेंटम कराते, ये 20 से कोई मतलब नहीं, चेन मोमेंटम 10 इंटू 10 हो जाएगा 100। तो बीज करेक्ट, क्लियर। एट सवाल यू कैन डू, नाइन्थ सॉल्व कर लोगे, इलेवेंथ भी कर लोगे बच्चों, इलेवेंथ में भी कोई दम नहीं है, ये सब कर लेना। बच्चों ट्वेल्थ जो है वो है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन पे, 12 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है, कितने एंगल पे जंप करेगा, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर बाय जी मैक्सिमम कर लोगे। बाकी कुछ जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का है, डोंट वरी। एटींथ करते हैं, एटींथ एच्ची वर्मा का सवाल है, द बलून ऑफ ग्रॉस वेट डब्ल्यू न्यूटन डिसेंड्स विद एक्सेलरेशन एफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द वेट दैट मस्ट बी थ्रोन आउट इन ऑर्डर टू गिव बलून इक्वल अपवर्ड एक्सेलरेशन। देखना बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये दिस इज अ बलून। सर ये आपने बोला था एच्ची वर्मा में करने, हाँ मैंने बोला था। Yes, अच्छा ये बैलून जो है ना वो नीचे आ रहा है एफ एक्सेलरेशन से, होता क्या है इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, इसका वेट mg लग रहा होगा और क्या लग रहा है बायसी फोर्स। ये नीचे आ रहा है एक एक सेशन से, और कोई फोर्स के बारे में दिया नहीं है, ताकि ड्रैग फोर्स भी लग सकता है। समय हम एक मास सपोज करेंगे जिसमें फ्लाई करेगा, हाँ तो अब मास एमजी है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे कि ये कैपिटल एमजी नीचे लग रहा है माइनस बॉयसी फोर्स ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू एफ डाउनवर्ड में, पहला इक्वेशन करा। इसमें से स्मॉल एम मास को क्या कर लिया हमने, थ्रू आउट कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा है
तो बी बड़ा हो जाएगा, बी में चेंज नहीं आएगा बच्चों, बी में क्यों नहीं चेंज आएगा, बिकॉज ओवरऑल बैलून का साइज वही है, तो बी माइनस यही कंसेप्ट है। ये हो जाएगा अब नेट फोर्स, अब एक्सेशन ऊपर है इसलिए बी ऊपर माइनस नीचे का फोर्स वेट, दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेशन, दिस इज इक्वेशन टू, सॉल्व दिस टू, यू विल गेट द रिलेशन, हो जाएगा yes, ये हाँ सर। दो दो अननोन, बॉयंसी फोर्स अननोन है और मास अननोन है स्मॉल m, दो अननोन दो इक्वेशन यू कैन सॉल्व, नोट इट डाउन बच्चों 18। चलो सो हमारा ये डीपीपी भी फिनिश हो गया, डीपीपी 3 प्रोजेक्टाइल मोशंस का है, जो नहीं हुआ है तो करना बाद में प्रोजेक्टाइल, जैसे इसे अभी करेंगे सर। ये बाकी ये नहीं हुई डीपीपी, कौन सा ये डीपीपी 3 सॉल्व नहीं किया है ना घर पे? नहीं सर। ठीक है 10 सवाल है देखो इसका, देख लेता हूँ मैं इसमें से कोई अच्छा सवाल है क्या, एक आज जिसमें दम होगा तो मैं समझा दूंगा। चलो टेंथ करते हैं, टेंथ करके आज छोड़ दो आज का क्लास, सिर्फ टेंथ ट्राई इट सर। टेंथ ट्राई करो बच्चों, यस सर। थोड़ा ट्रिकी है, क्यों ट्रिकी है देखो, थ्री ब्लॉक्स M1, M2 एंड M, ये कैपिटल M है। सबसे पहले तो अगर मैं कैपिटल M का FBT ड्रॉ करने के लिए कहूं, कैपिटल M का, मुझे ये पता करना कि क्या कैपिटल M मूव कर पाएगा क्या, कैपिटल एम पे देखो फोर्सेस कहाँ है, टेंशन का फोर्स टी यहाँ है, एक टी यहाँ है, एक टी यहाँ है और एक टी यहाँ है ना। देखो तो टेंशन का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक टी पीछे है तो एक टी आगे, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एम का एक्सेशन जीरो हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? आई बात समझ में? यस सर। और M1 की बात करें तो M1 पे फोर्स F1 लग रहा है, पीछे टेंशन है, अगर कैपिटल M रेस्ट में है तो M2 पे फोर्स T लग रहा है, M1 के लिखेंगे बच्चों F माइनस टी M1 के लिए, दैट इज इक्वल टू M1 इनटू A, और M2 के लिए लिखेंगे सिर्फ T है, एक्सिशन दोनों का सेम हो जाएगा, सो A जो आ जाएगा F डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है, सेक्सेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा 2, एक्सेशन ऑफ M2 also 2, accession of M 0 बच्चों, tension in the string M2 का FBD ले लो, M2 into A 4, M2 plus 1 plus 2 हो गया सॉल्व, यस सर, 10th हो गया, यस yes.
चलो तो और डीपीपी आगे बढ़े क्या हम?